कैसे हो सब? मैं हूँ शिरीन एंड वेलकम टू माय चैनल। फिर से आ गई हूँ एक नई रेसिपी लेके। बनाएंगे स्पिनिच वाला और बहुत सारे वेजिटेबल्स डाल के हरा भरा पुलाव, और उसके साथ बनाएंगे मस्त अच्छा सा एक रायता। देखते रहिए। पालक को मैंने यहाँ पे धो के साफ करके ब्लांच करने के लिए रख दिया है गर्म पानी में। बस एक मिनट तक रखेंगे गर्म पानी में कवर करके, फिर निकाल के ठंडे पानी में डाल देंगे। और देखिए इसका कलर एज इट इज़ ग्रीन रहेगा, क्योंकि ज़्यादा कुक करते हैं तो पालक ब्लैक हो जाते हैं, तो हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है, तुरंत ठंडे पानी में निकाल लेना है तो उसका कलर ग्रीन अच्छा रहेगा लास्ट तक। अब इसको थोड़ी देर ठंडे पानी में रखेंगे, फिर उसकी हम प्योरी बना लेंगे मिक्सर में। देखिए प्योरी भी रेडी हो चुकी है हमारी। इसको हम पालक के पुलाव में यूज़ करेंगे, उसके साथ बहुत सारी वेजिटेबल्स भी यूज़ करेंगे, हेल्दी वे में बनाएंगे पुलाव। देखिए राइस को हमने धो के भिगो दिया है, पालक की प्योरी रेडी है और यहाँ पे सारी वेजिटेबल्स भी रेडी है। अनियन कट करके रखी है, गाजर मटर और बीन्स यहाँ पे फ्रोज़न है, ये कॉलीफ्लावर है, कैप्सिकम, आप अपनी मनपसंद के हिसाब से सब्जी डाल सकते हो, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक लहसुन पेस्ट, ऑयल निकाल के रखा है, यहाँ पे तेज पत्ता, जीरा और काली मिर्च लौंग, और यहाँ पे किचन किंग मसाला एक चम्मच, करी पत्ते, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें रेडी है। पैन रख दिया है हमने, ऑयल डाल दिया है, करीबन छोटी 2-3 चम्मच डाला है, तेज पत्ता डाल दिया है, जैसे वो चटकता है मैंने करी पत्ता डाल दिया है। और अब मैं डाल दूँगी जीरा और काली मिर्च लौंग। ये सारी चीज़ें जब चटक जाती है तड़का, तब उसमें डाल देंगे हरी मिर्च जो कट करके रखी है, और उसको ढक देंगे, क्योंकि हरी मिर्च डाली है तो वो ऊपर आ सकती है। तो फिर डाल देंगे प्याज जिसको लंबा लंबा कट करके रखा है, और लाइट ब्राउन होने तक उसको भून लेंगे। सॉल्ट डाल देंगे थोड़ा सा ताकि जल्दी से भून जाए, प्याज फ्राई हो जाए। लाइट ब्राउन हो चुकी है हमारी प्याज। अब डाल देंगे अदरक लहसुन पेस्ट, उसको अच्छे से तेल मसाले के साथ मिक्स कर देंगे प्याज के साथ। अब डालेंगे बाकी की सारी चीज़ें वन बाय वन। ये देखिए टमाटर डाल दिए मैंने सबसे पहले, और ये जो वेजिटेबल्स थे बीन्स मटर और गाजर, उसको भी डाल दिया है। यहाँ पे कैप्सिकम डाल दिए मैंने, कॉलीफ्लावर, सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। सारी सब्जियों को 1-2 मिनट अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर डालेंगे मसाले बेसिक, हल्दी डालिए, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, किचन किंग मसाला, सबको अच्छे से मिला देंगे। अब जो राइस धो के रखे हैं भिगो के, वो डाल देंगे। बासमती राइस यहाँ पे मैंने यूज़ किए हैं करीबन 2 कप बड़े, यानी कि 250 ग्राम जितने। सामने उतनी ही सब्जियाँ ली है मैंने। प्योरी जो बना के रखी है वो डाल देंगे, मिक्स कर देंगे अच्छे से सब चीज़ों को। और थोड़ा सा हमने पानी डालकर कवर कर देना है, पूरा कवर नहीं करना है, थोड़ा सा खुला भी रखना है ताकि पानी बाहर नहीं निकले पैन में से।
तो 10 से 12 मिनट हम स्लो आंच पे इसको पकाएंगे। तब तक हम रायते की तैयारी करते हैं। दही को यहाँ पे मैंने अच्छे से बीट कर लिया है, बिल्कुल भी लम्स ना रहे, उसी तरह से हमें रायते के लिए दही रेडी करना है। थोड़ा सा पानी डाला है मैंने, मिला देंगे अच्छे से। देखिए दही हमारा रेडी है, एकदम स्मूथ बनाना है हमें उसका टेक्सचर। ये तड़के का सामान है राई, जीरा, हरी मिर्च, करी पत्ता, और यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ये पिंक सॉल्ट, ये है धनिया, ये पुदीना, शुगर, नमक, और ये है काली मिर्च पाउडर। ये सारी चीज़ें रेडी करके रखी है रायते के लिए। वन बाय वन सारी चीज़ें हम रायते में मिक्स कर देंगे। सॉल्ट डाल देंगे थोड़ा सा, पिंक सॉल्ट थोड़ा डालेंगे, तो सॉल्ट थोड़ा ध्यान से डालिए। धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा है ये, ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ी सी शुगर आधा चम्मच, मिला देंगे अच्छे से। अब उसका तड़का करके उसको मिक्स कर देंगे, इससे टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। बिना तड़के का भी बनता है रायता, पर ये एक बार ट्राई करके देखिएगा। और बूंदी मिला देंगे लास्ट में, बूंदी की जगह आप ककड़ी का भी बना सकते हो और भी सब्जियों के बना सकते हो। यहाँ पे पुलाव हमारा रेडी है, बस 2 मिनट दम पे रखेंगे और हो गया रेडी। देखिए हरा भरा सब्जियों से, पालक से भरा हुआ पुलाव और एकदम टेस्टी रायता रेडी है। आ जाइए सब लोग। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट में बताइएगा। अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं कोई नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।